أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نباء موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي الامر واحلل من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين जो आज से सिलसिला शुरू कर रहे हैं हम इन ताला, ताला के फजल करम से वो नबियों में से एक ऐसे नबी का तस्करा है जो ऊल अज़म मिन रसूल में से हैं, यानी रसूलों में भी जो सबसे ज़्यादा हिम्मत वाले आज़म वाले और अल्लाह की नगाह में सबसे मतबर रसूल जो हैं वो पाँच हैं जिसका जिक्र अल्लाह ताली ने क़ुरान में कहा है और उनको उलुल उजम मैंने रसूल कहा जाता है यानी रसूलों में जो सबसे ज्यादा उलुल अजम है सबसे ज्यादा हिम्मत रखने वाले हैं सबसे ज्यादा बुलंद दर्जात जिन रसूलों के हैं वो पांच हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में आता है तो वो पांच रसूल कौन से तीदा थी तीदा तीदा थी हैं सबसे तो पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सैद् इब्राहिम फिर सैद् मूसा फिर नूह फिर ईसा आसाला यानी जितने भी रसूलों का जिनका जिक्र क़ुरानी मजीद में आता है उसमें भी रसूलों की भी दर्जाबंदी है उनका कैटेगराइज़ेशन अगर अगरचे ईमान सब पे लाना जरूरी है लेकिन अल्लाह की निगाह में बुलंदी के अतबार से ये पांच रसूल हैं जो सबसे ऊंचे मुकाम पर फायदे और इन पांचों में भी कुरानी मजीद ने सबसे ज्यादा तफसीली तस्करा अगर किसी नबी का किया है तो वह सैदुना मूसा ये किस वजह से किया है क्यों किया है उस पर आज इंशाल्लाह हम तफसीली बहस करेंगे और कई जो अहम नुकात हैं वो आपके सामने रखेंगे चलिए तो इंशाल्लाह वो बात आ जाएगी बहरहाल तो ये पांचों रसूल कौन कौन से हैं मूसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम मोहम्मद वसल्लम नूह अलैहिस्सलाम और ईसा उसमें भी मूसा आसलम का सबसे तफसीली तस्करा कुरान के अंदर मिलता है तो इंशाल्लाह उसके बारे में आज उनकी जिंदगी के बारे में तफसीली जो है गुफ्तगू की जाएगी लेकिन इस गुफ्तगू के शुरू होने से पहले मैं चाहता हूं कि पांच अहम बातें जो हैं वो जो इस पूरी सीरीज के ताल्लुक से ज़रूरी हैं आपके लिए समझना वो आपके सामने रख दूं फिर इंशाल्लाह आज जो जो भी बातें हम करेंगे वो तमहीदी बात होगी वो इंट्रोडक्शन होगा और वो कुछ बुनियादी ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनका समझना जो है जरूरी हो जाएगा आपको मूसा इस्लाम की जिंदगी को के हर पहलू को सही तरीके से इंटरनलाइज करने के लिए और उनकी जिंदगी के पहलुओं से जो हिकमत है जो विजडम के पॉइंट्स हैं जो हमें हासिल करने हैं इंशाला उनको सही तरीके से एक्सट्रैक्ट करने के लिए चंद बुनियादी बातें जो आपके लिए समझना जरूरी हो जाएंगी तो जो मैंने बात रखी थी कि पहला दो दर्स जो होगा इस सीरीज का वो तमहीदी होगा वो इंट्रोडक्टरी होगा और उसमें ऐसी बुनियादी बातें रख दी जाएंगी जो इनशा अगर आपने उसको अटेंड कर लिया तो न सिर्फ यह कि मूसा अली स्ल्लाम की जिंदगी समझने में आसानी होगी बल्कि कुरान का जो अमूमी पहलू है किस्सों के ताल्लुक से जो कहानी कुरान बयान करता है जो वाकयात कुरान बयान करता है उसका जो नरेशन का स्टाइल होता है और उस नरेशन के स्टाइल से अल्लाह का मकसद जो होता है ये पूरा एक लार्जर लार्जर स्केल पे ये बात आपके जहन में आ जाएगी तो इनशाला फिर ये कि सिर्फ मूसा इस्लाम की जिंदगी क्लियर नहीं होगी आगे आप कोई भी वाक़ कुरान के अंदर पढ़ते हैं तो एक मखसूस चश्मे के जरिए एक मखसूस निगाह के जरिए उन वाकत को देखेंगे तो इन ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है वो होगा तो पहले मैं चार अहम बातें करूंगा इस सीरीज के ताल्लुक से और फिर उसके बाद जो इंट्रोडक्टरी बातें हैं जो कुरान में कसस के ताल्लुक से वाकयात के ताल्लुक से जो है वो इनशाला आपके सामने रखूंगा पहली बात कि मूसा की जिंदगी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को हम कवर करेंगे जिन जिन पहलू पर कुरान ने गुफ्तु की है कुरान ने बात की है और जिस पे कुरान ने रोशनी डाली है उन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे किसी एस्पेक्ट को भी हम छोड़ेंगे नहीं यानी उनकी प्रैक्टिकल लाइफ अगर वो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बात है उनकी अजदवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड बात है उनकी जो यानी इकोनॉमिक लाइफ से रिलेटेड बात है उनकी लीडरशिप स्किल के ताल्लुक से बात करेंगे उनकी पॉलिटिकल स्टैंड के ताल्लुक से बात करेंगे गोया कि मूसा आलाम की जिंदगी के हर उस पहलू को हम कवर करने की कोशिश करेंगे जिसका जिक्र कुरान करता है चाहे वो इशारतान करता है चाहे वो बराह रत करता है तो इन शह अगर आपने यानी ये पूरी मुकम्मल सीरीज सुन ली तो मूसा आईम के तल्लुक से कुरान में जहाँ भी जो इशारे आए हैं और उसमें जो हिकमत के पहलू और विजडम के पहलू हैं वो इनशा अगर आपने यहाँ समझ लिए फिर बहुत बड़ा पोर्शन आपका जो है कवर हो जाएगा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी व्यूअर्स हैं वो अपने अपने ऑडियो और और वीडियो ऑफ रखें ताकि इन बात समझने में आएगी और अगर मेरी बात के एंड में कोई सवाल रह जाता है आपके जहन में तो वो भी आप रख लें इनशाला वो लास्ट में आपके लिए दस मिनट का वक्त दिया जाएगा सवाल जवाब के लिए तो इनशाला हम मूसा इस्लाम की जिंदगी के हर पहलू को कवर करने की कोशिश करेंगे दूसरी चीज कि कुरान जो किस्से बयान करता है उसका मकसद स्टोरी फॉर द सेक ऑफ ए स्टोरी नहीं होती वाकयात वाकयात को समझने के लिए उससे लज्जत हासिल करने के लिए उससे इंटलेक्चुअल प्लेजर के लिए और सिर्फ रिसर्च के पर्पज से उसको पढ़ने के लिए कुरान बयान नहीं करता लिहाजा ये बात समझनी जरूरी है कि मूसा की जिंदगी की जो प्रैक्टिकल विजडम्स हैं या दूसरे अम्बेम की जिंदगी के जो प्रैक्टिकल विजडम्स हैं InshaAllah उसको भी हम जो है वो जहां जहां कुरान में वो बात डायरेक्टली आई है या इशारत आई है इनशाला उसको भी कवर करेंगे तीसरी चीज़ यह कि कुरान में चूंकि जैसे हमने इससे पहले की सीरीज की थी यूसुफ असलाम के सिलसिले में और वह साढ़े चार महीने में वो सीरीज कवर हुई थी तो उसमें एक ख़ास एडवांटेज ये था स्पीकर के लिए एडवांटेज ये था कि पूरी की पूरी यूसुफ असलाम की जिंदगी के वाक़ कुरान में एक जगह मौजूद हैं सुल यूसुफ के अंदर लिहाजा वो जो जो शख्स बोल रहा है उस मौजु पे या जो यानी तकरीर दे रहा है उसके लिए वो काम आसान हो जाता है मूसा के बारे में ऐसा नहीं है मूसा आई इस्लाम के बारे में कुरान जो है मुतफरक मुकाम पर अलग अलग अंदाज में कमेंट्री करता है और कहीं भी कमेंट्री जो है वो मुकम्मल नहीं है यानी कुरान किसी भी पॉइंट पे मूसा की सारी जिंदगी के वाकत बयान नहीं करता इसके बरअक्स जब हमने यूसफ्लाम की जिंदगी पढ़ी थी उसमें सारे वाकयात एक जगह जमा थे और बहुत मुनजम ढंग से थे सिक्वेंशियल थे अब जब मैं ये कह रहा हूँ मुनजम ढंग से थे तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मूसा की जिंदगी गैर मुनम तरीके से है नहीं लेकिन हिदायत के गर्ज से जिस मौके पर अल्लाह तला ने जो बात ज्यादा मुनासिब समझी है उसको नाजिल किया है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के, के दफा नाजिल करना और एक वक्त में रसोल को बताना यह हिदायत के मकसद से मकसद से ज्यादा ने वहां वैसा किया तो मूसा के साथ एक एडिशनल काम जो है स्पीकर का यह बढ़ जाता है कि से उसको वाकयात को चुनने पड़ते हैं तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम कुरान के यानी जहां जहां भी मूसा स्लम के ताल्लुक से जिक्र आया है उसका हम बयान इंशाल्लाह करेंगे लेकिन बेसिकली तीन सूरतों की डिटेल स्टडी होगी सबसे पहले सूरह कसस फिर सूरह आराफ और सूरह ताहा बाकी और भी सूरतें हैं सूरह खुद से भी तज़किरा करेंगे इंशाल्लाह सूरह शाह से भी करेंगे और दीगर सूरतों से भी करेंगे इंशाल्लाह लेकिन जो सेंट्रल जिसको कह सकते हैं कि कोर्स ऑफ स्टडी होगा वो हमारा इन तीन सूरतों से होगा तीसरी चीज जो हम देखेंगे मूसा स्लम की ज़िंदगी से माफ़ कीजिएगा चौथी चीज़ वो है किसी भी यानी वर्ल्डली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं जो भी सिचुएशंस इनकाउंटर होते हैं उसको सॉल्व करने का पैगम्बराना तरीकेकार क्या होता है यानी जाहिर है कि आपको एक बादशाह को दावत देनी है आपको एक कौम को दावत देनी है ठीक है आपको अल्लाह का दीन फैलाना है तो सिर्फ आपको ऐसा तो नहीं है कि मस्जिद में लोगों से मुलाकात होगी या ऐसा भी नहीं कि आपको अपने घर में सिर्फ लोगों को दावत देनी नहीं।, नहीं जो पैगंबर की पोजीशन होती है जो रसूलों की पोजीशन होती है वो ऐसी यूं समझ लीजिए कि इतनी ज्यादा वर्सेटाइल पर्सनालिटी के ट्रेट्स डिमांड करती है कि इंसान को हर एतबार से यानी जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं रह जाता जिसमें इंसान को परफेक्शन दरकार नहीं होती दावत दीन के काम में और दावत दीन के काम को करने के लिए जो सबसे आला तरीन पर्सनैलिटीज होती हैं वो अम्ब्या और उसूल की होती हैं लिहाजा इंसानी जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो अम्ब्या की जिंदगी से अम्ब्या की तालीमत से उजल रह जाए तो इनशाला जो मल्टी फैसेड पर्सनैलिटी है मूसा की वो इनशाला उस पर जगह जगह जो तकवीनी कमेंट्स कुरान के आए हैं उस पर भी इंशाला हम बात करेंगे ठीक है लीडरशिप स्किल जो है वो इसमें मूसा अपने आप में मुमताज़ हूँ जहां तक मैं समझता हूं कि जितने अम्बे रसूल का जिक्र क़रने मजीद में आया है एक्सेप्ट मोहम्मद रसुल्सम के तो लीडरशिप के सेंस में मूसा को जितने चैलेंजेस फेस करने पड़े और जितनी उभर के मूसा अली सलाम की शख्सियत सामने आई है आपकी पर्सनालिटी का जिस तरह इरतका हुआ है और जो स्ट्रेंथ आपके अंदर डेवलप हुआ है वो मैं नहीं समझता किसी दूसरे पैगंबर के अंदर डेवलप हो पाया है उस तरीके पे उस कंप्लीशन और उस परफेक्शन और उस जिसको कह सकते हैं मल्टी फैसेड टर्म्स में है ना तो इस वजह से मूसा की शख्सियत में लीडरशिप स्किल के ताल्लुक से बहुत से ऐसे अहम नुकात हैं जो हम इनशा समझेंगे और ये यानी लीडरशिप के ताल्लुक से तमाम अंबिया जो है हमारे लिए रहबर हैं और उनसे हम जो है वो नसीहत हासिल कर सकते हैं लेकिन ये लीडरशिप स्किल अपने नुकतः औरूज पे पहुंचती है मूसा इस्लाम की शख्सियत में तो इनशाला उस पर भी जरा हम तवज्जो देंगे और छठी और आखिरी बात जो हम इस सिलसिले में कहना चाहेंगे इस पूरी सीरीज के अंदर ये ये जो अभी हम बात कर रहे हैं वो सीरीज के ताल्लुक से तमहीदी बात है इंट्रोडक्टरी बात है टुवर्ड्स फॉर द सीरीज जो हम सीरीज ये करने जा रहे हैं इसके बाद हम इंट्रोडक्टरी बात करेंगे मूसा स्लम की जिंदगी के ताल्लुक से और फिर ये कि कुरान जो किस्सों को बयान करता है उसके मकास क्या होते हैं उसका अप्रोच क्या होना चाहिए समझने के लिए और उसमें चंद बुनियादी मोटी मोटी बातें हैं जो हम समझेंगे लेकिन अभी जो हम इंट्रोडक्टरी बात कर रहे हैं वो इस सीरीज के ताल्लुक से तो छठी और आखिरी बात जो इस सीरीज के ताल्लुक से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये है कि कुरान जो वाक़ बयान करता है उसमें सारे ही वाक़ काबिल नसीहत हैं लेकिन इस्पेशली जो वाकत बनी इसराइल से ताल्लुक रखते हैं जो यहूद नसारा से ताल्लुक रखते हैं वो हमारे लिए ज्यादा अहम है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बिलयीन अपनी से पिछली उम्मतों की कदम ब कदम पैरवी करोगे कि अगर उनमें से कोई शख्स जो है वो एक तरफ जूता आगे बढ़ा रहा है तो तुम भी उसी तरफ जूता आगे बढ़ाओगे यानी ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था इस हिस्टोरिकल फैक्ट का कि उम्मत मुसलमान के भी हालात जो है उसी तारीखी भंवर से होकर गुजरेगी जिस तारीखी भंवर से और जिस तारीखी ऊंच नीच से बनी इसराइल की तारीख गुजरी तो इस एतबार से यह समझा जाए कि कंपेरेटिव स्टडी बनी इसराइल की हिस्ट्री की मूसा इस्लाम की हिस्ट्री की और उम्मत मुसलमा की हिस्ट्री की एक कम्पेरेटिव स्टडी जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और बहुत से ऐसे पॉइंट्स को समझने में मदद करती है जिसके ताल्लुक से तौर पे आम मुस्लिम नौजवान और आम मुस्लिम पढ़े लिखे लोग भी जिनका जिनको बहुत रसूख हासिल नहीं होता दीन के अंदर या जो दीनीम तो रखते हैं लेकिन दीन का फहम नहीं रखते वो बाद दफ़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बाज़ चीजों के सिलसिले में तो अगर हम मजमूरी तौर पर बनी इसराइल की हिस्ट्री को और मूसा इस्लाम की शख्सियत को निगाह में रखते हैं तो बहुत से ऐसे पहलू उम्मत मुसल के और उम्मत मुसलमा की बहुत सारी आजमाइशें जो हो रही हैं उसको समझना भी आसान हो जाता है और उसके सोल्यूशनस की तरफ जो है हमारी निगाह जो है वो ज्यादा सही डायरेक्शन में चल पाएगी वरना जब किसी भी उम्मत के जवाल का वक्त आता है तो बहुत सारे सोल्यूशन बताए जाते हैं कि ये कर लिया जाए तो उम्मत डेवलप हो जाएगी ये कर लिया जाए तो मुसलमानों को सरखई और दुनिया के अंदर जो है कामरानी मिल जाएगी लेकिन जब इतने सारे मल्टीपल ऑप्शन और मल्टीपल सोल्यूशन प्रपोज किए जाते हैं तो फिर कन्फ्यूज़न का बढ़ जाना लाजिम है ऐसी कन्फ्यूज़न की सूरत में सबसे बेहतरीन डिस्कोर्स वो होता है जो हम कुरान से डराइव करते हैं तो इन शाह कुरान से जो प्रैक्टिकल विजडम है यानी इंसरादी जिंदगी में हमारी मूसा सलाम के कॉन्टेक्स्ट में और उम्मत मुसलमान की अजमाही जिंदगी में जो बनी इसराइल के ताल्लुक से हमतें और नसीहतें हैं वो भी इनशाला हम डराइव करने की कोशिश करेंगे तो ये छः जो समझिए कि सिक्स की पॉइंट हैं जिनको आप मद्देनजर रखें और जिस बात को जहन में रखें इस सीरीज को अटेंड करने से पहले क्योंकि फैक्चुअल प्रजेंटेशन जो है वो तो इंपॉर्टेंट होता ही है हिस्ट्री जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तारीख पढ़ते हैं तो फैक्चुअल प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेकिन जब कुरान किसी तारीखी वाकयात को बयान करता है तो सिर्फ हिस्टोरिकल प्रेजेंटेशन या फैक्चुअल प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन नहीं होता कुरान अपनी एक कमेंट्री अपने एक लेंस के जरिए किसी तारीखी वाकयात को देखता है तो ये लेंस जो है जो कुरान हमारी आंखों पर चढ़ाना चाह रहा है जिसके जरिए हमारी जो जहन में वो वसात पैदा हो जाए कि हम वाकयात को सिर्फ वाकयात के फेस वैल्यू पर ना देखें बल्कि उसको आगे पीछे से मिला के देखें उसके उसको ऊपर नीचे से मिला के देखें ताकि हिस्ट्री का कोई एक ए, समझ लीजिए कि इंडिविजुअल वाक्य अपने आप में इंडिविजुअल वाक्य ना रहे बल्कि वो एक इंसानी तारीख के के मजमू डायरेक्शन में एक समझिए कि जिसको कह सकते हैं की एलिमेंट की हैसियत से है, हम हिस्टोरिकल वाक को देखते हैं तो इस इसपे जो कुरान तबसरा करता है और कुरान का जो वे है हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन का उस उसपे हम तवज्जो देंगे इनशाला और ये सीरीज अगर आप अटेंड करते हैं जिस तरह जो जो भाई हमारे साथ सूर्य यूसुफ के सफर में थे तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने मुकम्मल तौर पर पूरी सीरीज को अटेंड किया है तो उनके लिए बहुत सी बातें समझना बड़ा आसान हो जाएगा लेकिन जो लोग उसमें शामिल नहीं थे वो ऐसा हरगिज ना समझें कि मैं यहाँ उन बातों को रि नहीं करूँगा मैं इनशाला सारी बातों को हर नए पहलू को हर की पॉइंट को रीइट्रेट करूंगा इनशाला जिन लोगों ने उस सीरीज को अटेंड नहीं की थी उसका कोई नुकसान यहाँ इनशाला नहीं होगा तो ये कुल बातें थी इस सीरीज के ताल्लुक से अब आते हैं हम कुछ और की पॉइंट्स की तरफ कुछ और दूसरी बातों की तरफ जो हम ए, इस सीरीज के ताल्लुक से नहीं करने वाले हैं बल्कि आम जो कायदा है कुरान का किसी वाकये को बयान करने का किसी कसश को बयान करने का उस पर हम जरा तबसरा करते हैं देखिए कुरान जो वाकया बयान करता है उसका मकसद क्या है सबसे अव्वलन मकसद है जैसा कि शाह वली मुहद जहलवी फरमाते हैं कि अवलिन मकसद जो है कुरान के वाकआत बयान करने का वो है तजकीर भी अयामिल्ला यानी कि ऐसी बातों की नसीहत और ऐसी बातों की याद दिहानी जिसका तल्लुक्यामिल्लाह से है यानी अल्लाह के दिनों से अभी अल्लाह के दिन क्या है अल्लाह के दिन वो वो दिन हैं वो हिस्टोरिकल वाकयात हैं वो कौमों काूज व जवाल का पैटर्न है जो अल्लाह तला ने पूरी इंसानी तारीख में हमेशा बना रवा रखा है यानी किसी कौम को अल्लाह तालूज अता करता है फिर उसको जवाल अता करता है तो ये रूज व का जो सफ़र है कौमों का या इंसरादी हैसियत से भी किसी शख्स के रूज जवाल का जो सफ़र है उस पर कुरान जो तबसरा करता है और अल्लाह ताला का जो रोल होता है उसज जवाल में और ख़ुद बंदे के आमाल वखलाक और अफआल का और उसकी प्लानिंग का जो रोल होता है उसके ताल्लुक से अल्लाह ने जो कमेंट्री कुरान के अंदर की है और अल्लाह ने जो याद दिहानी क़रन के अंदर कराई है इस पूरे तरीक़ार को इस पूरे जिसको कह सकते हैं कि मवाद को तजगीर भी अयामिल्ल कहा जाता है वो यह अल्लाह के दिनों को याद दिलाना मसलन आप देखते हैं जो लोग सूर्यफ के सिलसिले में शामिल थे या जो नहीं भी शामिल थे लेकिन बुनियादी तौर पर यूसफ़ के वाकयात से वाकिफ़ हैं वो वो इस बात को जानते हैं कि आप देखें यूसुफ अम की जिंदगी कितनी कमजोर सूरत में स्टार्ट हुई है कितनी बेयारो मददगार सिचुएशन से अल्लाह तला ने उनको बुलंदी पर फायज किया और फिर उनको आज़ादी अता की मिस्र के अंदर तमकीनीत अता की होल्ड अता किया स्टेबिलिटी अता की फिर अल्लाह ताला ने उनको जो है वो एक दुनियावी अतबार से उनका यूं हुआ मामला है कि वो फिर कैद खाने में कैद कर दिए गए आज़माइशों के तहत फिर कैद खाने से निकाल के अल्लाह ताला ने उनको जो है ट्रेजार ट्रेजार बना दिया इजिप्ट का गोया कि उनकी जिंदगी में भी अप्स एंड डाउनस का जो सफर रहा उसमें अल्लाह ताला ने जो की रोल प्ले किया और अल्लाह ताला ने इस पूरे इंसिडेंट को जो रन किया है ये गोया अया मिल्ला है ये दिनों का हेर फेर जो है ना ये कौमों का उरूज व जवाल और किसी फर्द के का उरूज काूज जवाल जो है ये असल में अयामिल्ला है इस अयामिल्ला से जो सीख मिलती है जो विजडम मिलती है जो नसीहतें मिलती है वो असल मकसद है स्टोरीज बयान करने का अच्छा ये बातें तो बगैर स्टोरी की भी समझाई जा सकती है एब्स्ट्रैक्ट सेंस में भी समझाई जा सकती है जैसे आपके सामने आप जानते हैं कि सच बोलने का जो है वो अच्छी चीज़ है झूठ बोलना बुरी चीज है अल्लाह के दीन पे कायम रहना उसकी उसके दीन की इस्तेनत करना ये अच्छी बात है और उसके दीन के मुखालफत करना या उसमें सुस्ती बरतना ये बुरी बात है ये आप भी जानते हैं ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको बताने की जरूरत पेश है लेकिन जब आप इन्हीं चीजों को अपनी नजर से देखते हैं अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं प्रैक्टिकल रियालिटीज में थ्योरिटिकल फेथ को थ्योरिटिकल बिलीफ को आप प्रैक्टिकल रियालिटी में मैनिफेस्ट होता देखते हैं अपनी नजरों के सामने उन उस सीखी हुई बात को हकीकत में तब्दील होता हुआ देखते हैं तो फिर आपके ईमान में एक दूसरे तरह का इजाफा होता है जो कि सिर्फ उस अच्छी और खूबसूरत बातों के जरिए नहीं हो सकता मिसाल के तौर पे इस्लाम आज भी कुरान सुन्नत के फॉर्म में सेफ है महफूज है और अपनी असल पे कायम है लेकिन इस्लाम में आज वो तासीर नहीं बची जैसे कि साहबा कराम के दौर में और मैं टाइम्स में हुआ करती थी इसकी बुनियादी वजह क्या है इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस्लाम की जो रूहानियत है और इस्लाम की जो हकानियत है और इस्लाम की जो कवत है उसको आपने अपनी निगाहों से दुनिया के अंदर मैनिफेस्ट होता हुआ नहीं देखा गोया कि अगर इन्हीं चीजों को आप अपनी निगाहों से दुनिया के अंदर हकीकत में तब्दील होता देखते आप देखते कि एक इस्लामी निज़ाम कायम है जहां अदल इंसाफ का जो है वो तराजू बिल्कुल हक के साथ सारी प्रैक्टिकल रियलिटीज में इंप्लीमेंट किया जा रहा है सूद का कोई वो नहीं है रिश्वत का कोई मामला नहीं है फिर ये आप देखते कि जालिमों के जुल्म की सजा उनको दी जा रही है चोर के जो चोर को चोरी करने पर सजा दी जा रही है डाकुओं को सख्त से सख्त सजाएं दी जा रही है जो लोगों के माल हड़प लेते हैं उनको सजाएं दी जा रही जो दूसरों पे जुल्म करते हैं उनको सजाएं दी जा रही इस वजह से जो जुलम सितम की तादाद कम हो गई दुनिया के अंदर का निज़ाम कायम हो गया अगर आप इन चीज़ों को अपनी आँखों से देखते तो जो इस्लाम की तासीर आपके ऊपर होती वह सिर्फ किताबों में महफूज इस्लाम से नहीं होती ठीक है तो इसीलिए अल्लाह त हमेशा से तरीका रहा है अल्लाह की सुनत रही है कि वो अम्बे अली के जरिए और फिर अम्ब्या का जब सिलसिला खत्म हो गया तो दीन में मुजद्दीन के जरिए जो है हर जमाने में ऐसा होता आया है कि अल्लाह ताला दीन को बहुत गैर मामूली शख्सियात के जरिए दीन को इस्तेकाम बख्शता है दीन को मजबूती देता है और दुनिया के अंदर अल्लाह ताला अदल का निज़ाम टाइम टू टाइम कायम करता है अम्बेम के जरिए ताकि आम लोग जिनका जहन हिदायात को कबूल करने के लिए एग्जाम्पल डिमांड करता है कहानियों और किस्सों से जो मुतासर होते हैं जो सामने हो रही रियालिटीज से मुतासर होते हैं उनके लिए आसान हो जाए हक़ को कबूल करना और हक़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना उनके लिए आसान हो जाए तो इस एतबार से इंसान जितनी आसानी से मिसालों के जरिए या एबस्ट्रैक्ट बातों के जरिए नहीं समझता उससे ज़्यादा आसानी से अपने सामने हो रही रियलिटीज या किसी शख्स के हो के ज़िंदगी के तजर्बात से सीखता है इस इंसानी नफसियात के इस पहलू को इंसान से बेहतर अल्लाह के जानती है लिहाजा कुरान में मुख्तलिफ मुकाम परोरीज के जरिए बातें समझाई गई और ये स्टोरीज जो हैं वो दिल के अंदर यकीन और ईमान की मौजूदगी में बेनिफिशियल हो सकती है अगर उनकी मौजूदगी नहीं है तो बेनिफिशियल नहीं होती तो इस वजह से अल्लाह ताला जो है जिसको कहते हैं तजगीर भी अल्लाह के वाक़ात जो है अल्लाह के दिन जो है उसके जरिए से नसीहत कुरान के अंदर करता है खुद अल्लाह तला कुरान के अंदर फरमाता है जैसा कि सूरह सूर्हूद के अंदर अल्लाह कहता है कि वकुल्ला अलैका मिन अंबाए नकुस्सुक अम्बा रही बिही बि ए नबी हम जो भी अंबिया और रसूल का किस्सा आपके सामने बयान करते हैं ये हम बयान नहीं करते मगर इसलिए कि इसके जरिए जो है आपके दिल को मजबूती अता कर दें आपके दिल को साबित कदमी अता कर दें मानुसु बिहि फुआद ए नबी इसके जरिए हम आपके दिल को मजबूत करना चाहते हैं वह इंसान को यकीन है कि अल्लाह की मदद आएगी यानी इन यकीनों में सबसे सब ऊँचा यकीन किसका है रसुल्ला लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि ये वाकयात जो पिछले नबी के हम आपको बताते हैं वो इसलिए बताते हैं कि आपके दिल मजबूत हो जाए अब ईमान के अतबार से यकीन के एबार से वसल्लम से ऊपर तो कोई नहीं है लेकिन अल्लाह ने इस स्टोरीज़ इन स्टोरीज की यूटिलिटी कुछ यूं बयान की कि ए नबी इन स्टोरीज़ के जरिए आपके दिल भी मज़बूत होते हैं तो हमारे और आपके जैसे कमज़ोर ईमान वाले के लिए तो स्टोरीज बदरजह बदरजा ज़्यादा वो हमारे लिए यूटिलिटी है उनकी व जा का फी हाजिल हक का वज़्जत विक्रम और फिर इन स्टोरीज के जरिए जो है हम हक हाँ को मोमिन के लिए वाजह करते हैं उन पर नसीहतों का यानी नसीहत के लिए भेजते हैं और फिर इसके जरिए मोमिन को याद दिहानी कराते हैं कि अल्लाह की मदद हमेशा अहिल हक हाँ के साथ तो ये है असल पर्पज़ स्टोरी का जो कुरान बयान करता है अगर हम इस पर्पज़ को एट द बैक ऑफ माइंड नहीं रखें स्टोरीज को समझने के लिए प्रॉब्लम तो ये होगी कि हम हिस्टोरिकल की डिटेल्स में उलझ के रह जाएंगे और ऐसा हुआ है उम्मत के अंदर एक एक बहुत बड़ा तबका जो है वो जैसे आप पूरा बहुत सारी तफसीरों में पढ़ेंगे कि वाकयात बड़े तफसील से होते हैं लेकिन उन वाकयात का जो रूहानी जिसको कह सकते हैं कि निचोड़ है उस पर जो है तबसरा कम होता है तो हम इस चीज को अपने जहन से उझल नहीं होने देंगे एट द बैक ऑफ माइंड हम इन बातों को रखेंगे ठीक है फिर अल्लाह ताला इसी किस्से के ताल्लुक से ख़ास बात कहता है कि जो कमेंट्री है अल्लाह की इन हिस्टोरिकल वाक़ के ऊपर वो सूरह वह के अंदर आयत नंबर वन जीरो टू में अल्लाह कहता है वह कज़ालिका अखजु रब्बी का इज़ा अखज़ल क़ुरा वहिया िमतन और फिर अल्लाह ताला जो ये बातें आपको इसलिए बता रहा है ताकि आप समझें कि अल्लाह ने किस तरह पकड़ा जालिम बस्तियों को जो जुल्म किया करती थी दुनिया के अंदर जुल्म पे जिनकी बुनियाद कायम थी इन्ना अखजू शदीद और बेशक जो उसकी पकड़ है अल्लाह की पकड़ है बहुत शदीद है और बहुत ज़बरदस्त है दर्दनाक है गोया एक चीज़ समझ लीजिए जैसा कि शेख सदन तमिया कहते हैं कि दुनिया के अंदर हुकूमत जो है कुफ़्र के बिना कायम हो सकती है यानी यानी ज़ाहिर के कुफ्र जो है ज्यादा बड़ा गुना है क़्यामत के दिन कुफ्र का आज़ाद ज्यादा है लेकिन कुफ़्र के बावजूद दुनिया में हुकूमत कायम रह सकती है लेकिन जुल्म के साथ दुनिया में हुकूमत कायम नहीं रह सकती और यह अल्लाह का उूल है कि जिस कौम में जुल्म बढ़ जाता है उस कौन को से हुकूमत छीन ली जाती है ये भी हम जो है यानी ये जो की पॉइंट हम उठा रहे हैं वो कुरान से उठा रहे हैं वो है हम वाकयात को उस चश्मे से देखेंगे जिससे कुरान हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है ना कि वाकयात को सिर्फ लुत्फानदोजू लुत्फानंदोजी के लिए सुन रहे हैं मजे लेने के लिए सुन रहे हैं इस बात को हम जहन में रखेंगे एक और खास बात जो जुल्म की बात चल रही थी तो मैं जरा आपको जमनन एक तस्करा करता चलू कि जहां तक जुल्म का ताल्लुक है आखिर क्या वजह है कि कुफर के बावजूद हुकूमत कायम रहती है अगर चाहे कुफ्र बड़ा गुना है और जुल्म के साथ हुकूमतें कायम नहीं रहती हाँ हालांकि जुल्म छोटा गुना है कुफ्र के कंपैरिजन में उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि जुल्म उस चीज के बिल्कुल ऑपोजिट है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने कायनात का निज़ाम कायम किया है एक वर्ड है जो सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है कि अलमीजान अलमीजान वो बुनियाद है अदल की वो जस्टिस के वो पैरामीटर्स हैं जिसके बुनियाद पर अल्लाह ने पूरे यूनिवर्स को कायम किया ये जस्टिस में वो तमाम फिजिकल लॉज भी आते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने यूनिवर्स जिसके ज़रिए अल्लाह यूनिवर्स को गवर्न कर रहा है और ये जस्टिस में वो तमाम चीज़ें वो तमाम इंटर डिपेंडेंस भी आती हैं डिफरेंट मखलूक़ात की जो एक दूसरे पर डिपेंड हो के इस पूरी इस पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम इस पूरी जो समझिए कि रूए अर्जी पर जो निज़ाम चल रहा है वो एक दूसरे पर जिस प्रपोशन में डिपेंडेंस है मखलूक़ात का ये सारी की सारी अल्लाह ताली के निज़ाम अदल के नतीजे में गोया कि इस जब इन कहीं भी होता है इज्तमाही पर होता है तो वो अल्लाह ताला के कॉस्मिक म्यूज़िक जो है यूनिवर्स का यानी अदल और अल्लाह की तारीफ ये कॉस्मिक म्यूज़िक है यूनिवर्स का तो इससे मुखालफत हो जाती है तो इसी वजह से अल्लाह तसूल ये बना रखा है जबकि हदीस हजरत अबू हर रज तवायत है, तो है ालिबा सही बुखारी मौजूद है कि म एक ऐसा गुना है जो ज्यादा मुस्तक है इस बात का कि उसकी सजा दुनिया के अंदर भी दी जाए अगरच तमाम गुनाहों की सज़ा जो है असल में आख़रत के अंदर है तो जुल्म की भी असल सज़ा तो आख़रत के अंदर है लेकिन जुल्म जो जुल है वो ज़्यादा मुस्तक है इस बात का कि उसकी सज़ा दुनिया में भी दी जाए तो आप समझें कि जुल्म से जुल्म जो है पूरा निज़ाम कायनात दरहम बढ़हम हो जाता है जो अगरचह हमें दिखता नहीं है लेकिन इंसान अगर इज्तमी सतह पर म करने लग जाए तो वो अलमीज़ान जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने कायत को कायम किया है वो बैलेंस जिसकी बुनियाद पर यूनिवर्स अपनी जगह कायम है उसमें जो समझिए गड़बड़ी पैदा हो जाता है तो अल्लाह ताली को म इस हद तक नापसंद ठीक है अब आगे का मौजू जो है वो हम इनशाला आज तो जाहिर है कि सारे इंट्रोडक्शन कवर नहीं हो पाएगा तो आज मैं अपनी बात को कुछ समेटता हूं अब यहां पे इंशाला और ए, मैंने पहले भी बताया था कि पहला दो लेक्चर जो होगा मूसा के सिलसिले में वो इंट्रोडक्टरी होगा तो आज मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा कि मूसा के तल्लुक से अभी हमने कोई बात नहीं की अभी हमने सिर्फ पांच छः की पॉइंट समझे हैं जो इस सीरीज के तल्लुक से हैं और तीन चार रीज़न समझे हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला कुरान में स्टोरीज बयान करता है तो अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं वो जेनरिक हुई हैं और इन बातों को आप मद्देनज़र रखें जहन में रखें इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट टाइम ये ज्वाइन जो करेंगे नेक्स्ट सैटरडे को सेम टाइम पे तो इंशाल्लाह हम ये समझेंगे कि हमने मूसा इस्लाम को ही क्यों सेलेक्ट किया और आखिर कुरने मजीद इतनी तफसील के साथ और इतनी डिस्क्रिप्टिव अंदाज में मूसा इस्लाम की जिंदगी क्यों बयान करता है उसके ताल्लुक से हम आपके सामने जो है वो आठ मुख्तलिस रखेंगे जो इनशाला उनमें से बाज होंगी जो आप जानते होंगे बाज ऐसी होंगी जो आप शायद उसका आइडिया आपको नहीं होगा तो वो आठ मुख्तलिफमतें हैं जो इनशाला आपके सामने मैं रखूँगा कि मूसा का ही इंतख्या क्यों किया अल्लाह तला ने इतनी तफसली गुफ्तु के लिए और इसके लिए आपके सामने मैं एक खास बात रखना चाहता हूँ कि बुजुर्गी के एतबार से मोहम्मद रसोल के बाद सबसे ऊंचा मुकाम जो है वो इब्राहिम का है मूसा का नंबर तीसरे नंबर पर आता है लेकिन आप देखें कि स्टोरी के डिस्क्रिप्शन के अतबार से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जात जो है कहीं भी क्लोज भी नहीं पहुंचती विद रिस्पेक्ट टू जितना डिस्क्रिप्टिव बयान मूसा अलैहिस्सलाम का हुआ है जितना तफसीली गुफ्तगू मूसा अलैहिस्सलाम की हुई अगर अगरचे दर्जे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम बढ़े तो उसका भी एक खास तकवीनी पहलू है जो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट दर्स में आने वाले सैटरडे को पता चल जाएगा फिर यह कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत और इस उम्मत में क्या कंपेरिजन है और क्या मुताबिकत है इन दोनों के दरमियान वो भी इंशाल्लाह अगली दफा समझ में आ जाएगी तो अगला दर्स आप अटेंड कर लें तो वहाँ वो इंट्रोडक्टरी तमाम बातें जो हैं कवर हो जाएंगी इनशाला फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट दर से हम मूसा इस्लाम की ज़िंदगी को स्क्रैच से पढ़ने की कोशिश करेंगे और इन उम्मीद है अगर आप इस पूरी सीरीज को अटेंड करते हैं तो कुर मजीद का कोई ऐसा पहलू जो मूसा आई इसम की तरफ इशारतान या डायरेक्टली जिक्र करता है वो आपसे नहीं छूटेगा इन अगर आप तफसीली तौर पे जो है वो पूरे अटेंशन के साथ इस सीरीज़ को अटेंड कर लेंगे तो लेकिन हाँ मैंने बताया कि की जो हमारी स्टडी का होगा वो इन तीन सूरतों के इर्द गिर्द घूमेगा ये हुई बात जिस पे मैं आज अपनी बात को ख़त्म करूंगा आखिरी बात मैं आपके सामने रख दूं वो है रेफरेंस टेक्स्ट के तल्लुक से कि जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे उनका रेफरेंस क्या होगा वो कहां से हम पढ़ेंगे तो जाहिर है कि पहली चीज़ हम जहन में रखेंगे कि इसराइली रवायात जो है तारीखी रवायात वो जो बनी इसराइल की किताबों में मौजूद है उनका जिक्र अगर हम करेंगे तो हम बयान कर देंगे कि ये बात जो है वो बनी इसराइली यानी इसराइली बात है और इसको आप उस दर्जे ऑथेंटिक ना समझें तो उमू तौर पर मैं कोशिश करूंगा सिर्फ आपके सामने वही बात रखूं जो कुरान और सही हदीस से साबित है इन इसके अलावा जो है वो ज़रूरत नहीं है हमें कि हम इसराइली रवायात को कोट करें तो रेफरेंस टेक्स्ट के तौर पर सहाबा व तबइन के बाद अकवाल बाज आयात को एक्सप्लेन करने के लिए एज़ अ रेफरेंस टेक्स्ट जो है वो हम तफसीर कसीर इस्तेमाल करेंगे इनशा उससे मैं आपको रीड नहीं करूंगा बल्कि उसकी समरी जो है जीस्ट जो होगी वो मैं अपने अल्फाज में आपके सामने रखूंगा लेकिन वो रेफरेंस टेक्स्ट होगा उससे तफसीर हम नहीं पढ़ेंगे दूसरी चीज जो एज अ रेफरेंस टेक्स्ट इस्तेमाल होगी और बाय इन लार्ज जो इंटरप्रटेशन होगा बाज़ आयत का और बाज़ जिसको समझ लीजिए कि की पॉइंट्स होंगे वो होंगे सैयद कुतुब शहीद रहमै की किताब जो है तफसीर जो है कुरान से ठीक है तीसरा रेफरेंस मटेरियल होगा मौलाना मदूदी रहमत की तफहीम कुरान चौथा रेफरेंस मटीरियल होगा वह अशरफ अली थानवी रम्ह की अशरफ उ ये चार रेफरेंस मटेरियल हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे और जाहिर है कि बहुत सी बातें उसमें ऐसी होंगी जो इन चारों में भी नहीं होंगी जिसका अल्लाह ताला ने अपने बंदे को जैसी फहम दिया और जो बात मुताबिकत रखेगी सल्फ साल के अखबाल से वो भी इंशाल्लाह आपके सामने रखी जाएंगी कुछ की रेफ्लैक्शन रखे जाएंगे आपके सामने और फिर स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट जो इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह रहमत कससुल अंबिया नाम से जो किताब है उससे भी बाज़ चीज़ें उठाई जाएंगी वैसे इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि वहाँ से कोई इसराइली रवायात न उठाई जाए इस बात के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ इन श्रा आज चूंकि इंट्रोडक्टरी था तो मैंने आपको कोई ऐसी बात नहीं बताई है जो यानी किसी आयत से ताल्लुक रखती हो या जिसका ताल्लुक किसी वाक्य से आज हमने सिर्फ वो बातें की हैं पांच छह की पॉइंट जो इस सीरीज़ के ताल्लुक से हैं और कसस के रीज़न क्या होते हैं कुरान के अंदर और अल्लाह ताला किस लेंस के ज़रिए हमें जो है तारीख़ी वाकयात को दिखाना चाहता है इस पे ज़रा हमने जो है वो ब्रीफ में बातें रख दी आपके सामने मैं ही पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और मैं ए, उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी अगर आज जो बातें रखी गई उस सिलसिले में किसी को कोई सवाल है हालांकि कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिस पर सवाल आम तौर पर आ सकता है लेकिन अगर तब भी किसी को कोई सवाल हो तो आप सवाल एक एक करके पूछ लें मैं दो तीन मिनट वेट करूँगा इन अगर किसी को कोई सवाल नहीं होता तो फिर इनशाला मीटिंग क्लोज़ कर दी जाएगी जी इमाम तकीउद्दीन उद्दीन इबन, इबन रहमतुल्लाह रही के उस स्टेटमेंट के ताल्लुक से सवाल आया है चैट में जो लोग बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं या जो सिस्टर्स हैं वो चैट में सवाल रख सकती हैं तो एक सवाल आया है कि प्लीज़ एक्सप्लेन इमाम तकीउद्दीन उद्दीन इबन रहमतुल्लाह रमतल का यह दूसरा नाम था स्टेटमेंट अबाउट एंड म रिलेटेड विद शर्क ीम अच्छा ठीक असल में इबन रहमतुल्लाह रही ने जिस का जिक्र किया है वो मन अजीम शिरक नहीं है असल में शर्फ तो यानी सबसे बड़ा जुल्म है इसमें कोई दो राय नहीं है और इसको यूं समझा जा सकता है कि जुल्म का मतलब अरबी लगत में ये होता है कि, कि किसी भी चीज़ को उसकी असल पोजीशन से हटा के रखना मसलन आपने किसी का माल हड़प लिया तो वो आपने क्या किया उसका जो हक था उसकी जो पोजीशन थी उसकी पोजीशन ये थी कि आप उसका माल उसके पास रहने दें सेफ एंड सिक्योर आपने उसके माल को उससे छीन लिया आपने जुल्म किया किसी रिक्शे वाले ने आपके रिक्शे को खींचा आपने पचास रुपए में बात की थी आपने उसको चालीस दिया गोया उसके हक से आपने उसको नीचे गिरा दिया तो ये जुल्म है उसी तरह शर्क क्यों क्यों जुल्म है क्योंकि आपने अल्लाह के बंदों को उनके मुकाम असल से उठा के इतना ऊंचा कर दिया कि फिर आप उनकी इबादत करने लगे उनसे दुआएं मांगने लगे तो ये जुल्म नाजीम हो जाएगा क्योंकि जब आप किसी का हक छीनते हैं तो वो तो जुल्म है ही अपनी जगह और बहुत बुरा है लेकिन किसी के दर्जे को इतना बढ़ा देना कि उसको अबदियत के दर्जे से उठा के रब के दर्जे में पहुंचा दिया जाए इससे बड़ा कोई जुल्म हो नहीं सकता ये गोया आपने बंदों का हक नहीं मारा अल्लाह का हक मारा और जितनी बड़ी हस्ती का हक मारा जाए उतना ज्यादा वो जुर्म जो है बड़ा हो जाता है कुरान खुद बयान रहता है शिरकमन आजीम सूरहमान के अंदर के बेशक शर्क जो है सबसे बड़ा जुल्म तो ये बात तो बिल्कुल सही है लेकिन इबन तमिया रम्ह ने जो बात रखी है वो एक असूली बात है उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जुल्म ज्यादा बड़ा गुना है कुफर के मुकाबले में नहीं और यहाँ से मुराद जो हकूक हैं अन्नास के लोगों के जो हकूक हैं वो अगर छीन लिए जाए उनप जबर किया जाए उन उनपे बेजा जबरदस्ती की जाए और उनके हकूक छीन लिए जाए उनको बेजा कत्ल कर दिया जाए इस जुल्म के बारे में बात हो रही है ठीक है यहां उस शिर के बारे में बात नहीं हो रही क्योंकि यहां कुफर और जुल्म को एक साथ बयान करके ये इस बात को वाजा कर दिया गया है कि जुल्म से मुराद शिरक नहीं है एक मैं आप इस सवाल का जवाब पहले कंप्लीट कर लूं फिर अगला सवाल लूंगा देखिए अरबी का एक कायदा है कि दो मिलते जुलते अल्फाज अगर अलग अलग मुकाम पे आए तो दोनों की मीनिंग अलग अलग होते हैं दोनों की मीनिंग सेम होते हैं जैसे इस्लाम और ईमान ये अगर एक स्टेटमेंट के अंदर आएगा तो दोनों की मीनिंग अलग अलग हो जाएगी लेकिन अगर मुख्तलिफ मुकामात पे आएगा तो सिनोनिमस भी यूज हो सकता है यानी सेम मीनिंग के एबार से भी इस्तेमाल हो सकता है तो जब कुफ्र और जुल्म को एक जगह इस्तेमाल किया जाए तो उस जुलम से मुराद शिर्क नहीं होगा उस जुलम से मुराद अवामनास पे जो जुल्म होता है मोमिन पे जो जुलम होता है वो होगा लेकिन अगर अलग अलग मुकाम पे बयान किया जाए तो इस म से मुराद शिर्क भी हो सकता है और उस कुफ्र से मुराद कुफरी होगा तो ये अरबी का कायदा है इस कायदे को मद्देनजर रखें तो एक जगह अगर कुफर और जुल्म का जिक्र आया है तो उस जुलम से मुराद जो है वो अवामनास पे जुल्म है और ये एक उसूल है ये कायदा है अल्लाह ताला का इस कायदे का हर गिज़ यह मतलब नहीं कि जुल्म ज्यादा बड़ा गुना अक्सर लोगों को इस मामले में गलत फहमी हो जाती है वो ये कहते हैं कि भाई इससे इसका मतलब तो ये कि जुल्म ज्यादा बड़ा गुना हुआ नहीं ऐसी बात नहीं अल्लाह ताला के बाद कायदे काम मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं बाज़ ऐसे गुना है जैसे एक वक्त की नमाज छोड़ना ठीक है और जना करना यानी एक शख्स जो है वह नमाज बिल्कुल छोड़ रहा है और जना कर रहा है तो जना से ज्यादा बड़ा गुना है नमाज मसलसल छोड़ना लेकिन सजा इस्लाम ने जो जिसको कहते हैं वेल डिफाइंड सजा नमाज छोड़ने के ताल्लुक से जो सजाएं हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है शरीयत के अंदर वो आयमा के इजिहाज हैं उसमें लेकिन जो जिसको कहते हैं वेल डिफाइंड सजा वो जना के ताल्लुक से है तो इससे एक चीज समझ में आती है कि गुनाह का ज्यादा बड़ा होना दुनिया के अंदर सजा का के प्रोपोर्शनेट होना जरूरी नहीं इस पॉइंट को समझे कि बड़ा गुनाह होना एक अलग बात है और दुनिया के अंदर उस गुनाह पे सजा की जो इंटेंसिटी होगी वो एक अलग बात है ठीक है मैं समझता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई है मजीद इस पर तफसील की जरूरत होगी तो इनशाला अगली बार तफसील कर दी जाएगी अगला सवाल ये आया है कि आपने सिर्फ तीन चार सूरत का ही क्यों इंतख्या किया है अगर जब मूसा मुसाइल का जिक्र और मुकामों पर भी आता है बिल्कुल सही बात है इसलिए मैंने कहा है कि इन शाह कोई मुकाम आपसे छूटेगा नहीं अलबत् तफसीली तस्करा जो है इन तीन सूरतों में बड़े अच्छे अंदाज से आया आप ताहा में देखते हैं कि ताहा में अल्लाह ताला की जब मुलाकात होती है मूसा अलैहि सलाम से तो मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने वो तमाम बातें रिकॉल कराई हैं जो उनकी जिंदगी में हुआ तो गोया कि वो अल्लाह ताला का स्टाइल ऑफ नरेशन है मूसा अलैहि सलाम की जिंदगी को एज अ फर्स्ट पर्सन ब्याल करने का ठीक है मूसा अलैहि सलाम के सामने फिर सूरह आराफ में देखते हैं तो सूरह आराफ में बनी इसराइल की आजादी के बाद से बड़ा तफसीली तस्करा आयत नंबर एक सौ तीन का एक सौ तिहत्तर फिर शुरह कसस में देखते हैं तो मूसा आई की पैदाइश से लेकर मूसा इस्लाम की जो आज़ादी हुई है फिर से उस तल्लु से बड़ा तफी तस्करा आता है तो ये तीन सूरतें हैं जिसमें जिस अंदाज से तफीली तस्करा आया है दूसरी सूरतों में वो उस अंदाज से उस कंप्लीशन के अतबार से नहीं आया है तो दूसरी सूरतें भी हम पढ़ेंगे इनशाला कोई जो आप समझ लीजिए मैंने बार बार कही बात इनशाला कोई पहलू आपसे छूटेगा नहीं लेकिन हाँ ये तीन वो सूरतें हैं जिस हम तफी बात करेंगे और किसी भाई का कोई सवाल हो तो रख लें वरना अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह मीटिंग अब क्लोज की जाए मैं एक मिनट और वेट कर लेता हूं चलिए मैं समझता हूँ कि कोई सवाल नहीं बचा तो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो इस मीटिंग को क्लोज करते हैं इनशाला और जो अगला दर्स होगा हमारा अगले सैटरडे को तो वो भी इंट्रोडक्टरी होगा इनशाला उसमें भी कई की पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे लेकिन वो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स जो होंगे वो मूसा इस्लाम के इर्द गिर्द घूमेंगे तो और बनी इसराइल के इर्द गिर्द घूमेंगे और फिर उन वजुहत एक डिफरेंट हिकमत पर हम बात करेंगे जो क़ुरने कुरान ने, ने चूज़ किया मूसा इस्लाम के बारे में सबसे तफसी तस्करे का उस सिलसिले में तो इनशाला यहीं पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं आखिर उद्दावन अलहमदिल्ल रबी अलिकम वरह